Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the last lecture, I would like to give you a summary of the last lecture. In the last lecture, we talked about building the infrastructure for inclusive finance. Last lecture में हम ये देख रहे थे कि अगर हम inclusive finance के लिए किसी भी मुल्क में कोई infrastructure बनाना चाहते हैं, वो कैसा होना चाहिए, regulation किस type का होना चाहिए, और उसके अलावा political environment कैसा होना चाहिए, and क्या basic चीज़ें required हैं अगर हम चाहते हैं कि inclusive finance फ़रोग पाए हमारे मुल्क में. पाकिस्तान के लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इंक्लूसिव फाइनेंस की बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं. माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के रेगुलेशंस भी आ चुके हैं, और उसके अलावा माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक अगर कोई बनता है उसके भी रेगुलेशन है, सपोर्ट है, हर चीज़ मौजूद है. लेकिन स्टिल देयर इज़ अ लॉट मोर टू बी डन. और मैंने इस लेक्चर में, इस कोर्स में ज़्यादा फोकस जो रखा है वो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस पे रखा है, बिकॉज मेरा मकसद इस कोर्स से ये था कि आपको ये मैं ओवरव्यू दे सकूँ कि पूरी दुनिया में इंक्लूसिव फाइनेंस में क्या कुछ हो रहा है, और कैसे अगर आपको भी वो चीज़ें पता चलती हैं तो कैसे आप पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में उनको अप्लाई करके वो सब इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं जो उन लोगों ने हासिल किए हैं. देखिए, हम लेटिन अमेरिका की एग्जाम्पल में देखी, बहुत सारी एग्जाम्पल देखी, मैं बैंकों की एग्जाम्पल में देखी जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है. उसके अलावा हमने देखा ब्राज़ील के केस में, हमने देखा कि कैसे उन्हें बैंकिंग रेगुलेशन को चेंज किया, और उसके बाद रिटेलर्स को इजाज़त मिल गई बैंकिंग में आने की, बैंकिंग में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनने की. सो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा. उसके अलावा हमने देखा कि अगर बैंकर्स के लिए हम एक अच्छा ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनता है बैंकर्स के लिए, तो उनकी इन्फॉर्मेशन जब इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स तक पहुँचती है तो वो भी ज़्यादा आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं इन सब चीज़ों में. तो अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के पास पैसा ज़्यादा आएगा, और जिसकी वजह से वो ज़्यादा डीपर पेनिट्रेट कर सकेंगे, दूर तक जा सकेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग कम हो जाएगी. सो ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी, और आज के लेक्चर में, आज हमारा आखिरी लेक्चर है कोर्स का, और आज के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूँगा बिल्डिंग द मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग इन माइक्रो फाइनेंस. आज हम मार्केट के बारे में बात करेंगे एग्जैक्टली कि मार्केट में और फाइनली क्या चीज़ें होती हैं जो अगर बिल्ड किए जाएँ तो इन्वेस्टिंग जो है माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है. सो फाइनली आई विल डिस्कस दैट, आपसे मैं डिस्कस करूँगा मार्केट का. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. ये हम लेक्चर जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके आगे जो दो लेक्चर्स होंगे वो दोनों रिवीजन लेक्चर्स हैं, और उसमें मैं ज़रा आपसे डिटेल में डिस्कस करूँगा कि बट वी हैव अचीव्ड इन दिस कोर्स, हमने इसमें क्या कुछ देखा है, ये आप अपने लोकल कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड हाउ कैन दिस कोर्स गिव यू एन इंस्पिरेशन टू डू अ लॉट मोर इन योर ओन लाइफ, मेकिंग योर ओन प्रॉफिट्स, and obviously working for a very good social cause. We need entrepreneurs, we need young entrepreneurs, we need young social entrepreneurs in Pakistan. जो पढ़ लिखे लोग हैं वो ज़्यादातर जॉब्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वी नीड मोर पीपल टू कम टू ब्रिंग न्यू आइडियाज़, टू कम टू वर्क इन द माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री, टू वर्क ऑन इंक्लूसिव फाइनेंस. हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, एंड वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स इज दिस ह्यूज बॉटम ऑफ द पिरामिड फ्रैक्शन ऑफ द सोसाइटी जो अभी भी मोस्टली निगलेक्टेड है. एंड ये इतना बड़ा फ्रैक्शन है हमारी सोसाइटी का, अगर आप देख लें हमारे मुल्क में अमीर लोगों की परसेंटेज बहुत ही कम होगी, मिडिल क्लास वाले भी हमारे उतने ज़्यादा नहीं, और मिडिल क्लास वाले जो मिडिल क्लास की मेजोरिटी वो है जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में आते हैं, जिनकी जिनकी जो इनकम है साल की वो 3 लाख है, उससे कम है. सो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वी हैव अ मार्केट, मार्केट हमारे पास है. इट डिपेंड्स ऑन अस कि अब हम कैसे उस पर काम करते हैं, कैसे जो नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं, इस कोर्स में आपने इतना नॉलेज हासिल किया, इतने केस स्टडीज़ देखी हैं, इतनी मिसालें आपके सामने आई हैं, और उसके अलावा आपकी जनरल स्टडीज में जो आप अभी तक पढ़ते रहे, यू आर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स नाउ, आप इससे पहले 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ले चुके हैं, और उसके बाद आप आगे भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं. तो I really hope that some of you apply your education in the applied side, and microfinance is ripe with opportunities in Pakistan. You just have to have the heart, and financing bhi itna mushkil nahi hai agar aap देखें फाइनेंसिंग पे अगर हम किसी भी काम में जाते हैं तो पहले फाइनेंसिंग पे फोकस करते हैं तो वो कभी भी नहीं होता. हमें किसी काम के लिए पैशनेट होना पड़ता है, उसमें काम स्टार्ट करना पड़ता है. अगर आप अच्छा काम स्टार्ट कर लेंगे, बेशक वो छोटा ही क्यों ना हो, बहुत छोटा ही क्यों ना हो, तो फ्यूचर में जब आप एक छोटे लेवल पर अपने आप को सक्सेसफुल प्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, फाइनेंसिंग भी इशू नहीं रहता, और ये सब चीज़ें आसानी से सॉल्व हो सकती हैं. माइक्रो फाइनेंसिंग की एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है कि आप देख लें कि ये वो बोला
सेक्टर जिसमें कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि सिर्फ गवर्नमेंट कुछ फंड्स वगैरह दे रही थी और या फिर आपको चैरिटी से कुछ कुछ ना कुछ मिलता था, पर दे वर रिजिलियंट। आस्ते आस्ते उन्होंने कोशिश की कि बैंक लोन्स लीजिए, और बैंक भी लोन देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, कोई फाइनेंसिंग देने के लिए एब्सोल्युटली नोबडी वाज विलिंग। बट उन्होंने बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट किया, दे इम्प्रोवाइज्ड, दे प्रूव देमसेल्फ। और जब उन्हें अपने आप को ऐसा ऐसा प्रूव करना शुरू किया तो इन्वेस्टर्स ने शुरू में बड़ा क्यूरियसली इन पे इनमें थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन ऐसा हमने देखा कि दिस इज़ अ ह्यूज एसेट क्लास नाउ जिसमें पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। सो यू हैव टू हैव एन हार्ट। अगर आप कोई ऐसी चीज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको एक अपने स्किल्स अप्लाई करने का मौका मिलेगा। एंड इतनी एजुकेशन हासिल करने के बाद अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाते हैं बजाय इसके कि हम जॉब्स की तरफ जाके वो ट्रेडिशनल चीज़ें करें जो सब लोग कह रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैन बी मच मोर रिवॉर्डिंग बोथ इंटेलेक्चुअली एंड बोथ फाइनेंशियली, एंड इट कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट, ह्यूज रोल इन इम्प्रूविंग द इकॉनमी एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। Right, so let's move forward. Building the market for investing in microfinance. So market build करने के लिए सबसे पहले credit bureaus and credit scoring is very important. अब credit bureaus and credit scoring क्या होता है, मैं आपको कुछ तो इसका introduction करवा दूंगा, बाकी अगर आप detail देखना चाहते हैं तो you have to see the book which I recommended you in the first class. Internet surfers and late night television viewers in the United States are bombarded with offers of free credit reports and are advised to know their credit scores. I confess to not knowing mine, right? So, let me just tell you, जो इंटरनेट पर अगर आप अमेरिका में सर्व कर रहे हो या यूरोप में की सर्व कर रहे हो या लेट नाइट में आप टीवी देख रहे हो, आपको पता है यहाँ पर भी हम टीवी देखते हैं तो ऐड्स आते हैं, वहाँ पर जो एड्स आते हैं दे आर बम्बार्डेड विद ऑफर्स ऑफ फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स। बार बार उनके पास एडवर्टीजमेंट आती है फ्री क्रेडिट रिपोर्ट्स की एंड एडवाइस टू नो देयर क्रेडिट स्कोर्स। उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में मालूम रखें। सो वाई दिस क्रेडिट स्कोर, क्रेडिट स्कोर होता क्या है? क्रेडिट स्कोर देखें, कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम है तो उसमें आपने देखा होगा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ फाइनेंशियल सिस्टम में होती है इन्फॉर्मेशन। इफ वी हैव इन्फॉर्मेशन ऑफ आर क्लाइंट्स देन वी कैन ईजिली वर्क इन दैट मार्केट। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, लोगों की पेमेंट कैपेसिटीज़ क्या है, उनके पास एसेट्स क्या हैं, और वो अगर उनको लोन दिया जाता है तो फ्यूचर में उसको किस तरह रीपे कर सकते हैं, अगर उन्हें कोई लोन लिया हुआ है तो वो कैसे उसको रीपे करेंगे, और अगर उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उन्होंने प्रॉपर्टी प्लेज करा के अगर कोई लोन लिया, उसको एज अ कोलेटरल रख के लोन लिया, तो ऐसा ना हो कि वो एक ही प्रॉपर्टी को 10 जगह कोलेटरल रख के लोन हासिल कर रहे हों। सो दीज आर वेरियस इश्यूज़। अगर ये सब चीज़ें, अगर कोई क्रेडिट ब्यूरो नहीं होगा जो क्रेडिट स्कोरिंग ऐसी रखता होगा, तो इट्स वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर इवन फॉर द कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम टू वर्क इन दैट एनवायरमेंट। एंड इसीलिए ऐसा होता है जब भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनते हैं तो ये क्रेडिट ब्यूरोज एंड क्रेडिट स्कोरिंग के इदारे बनते हैं। मैंने शायद पहले भी आपसे डिस्कस किया, मैंने आपको बताया था कि आई लिव्ड इन इंग्लैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इंग्लैंड के अंदर दो बड़ी कंपनीज हैं, वन इज़ कॉल्ड एक्वाफैक्स एंड द अदर इज़ कॉल्ड एक्सपीरियन। एक्सपीरियन बहुत बड़ी कंपनी, और पाकिस्तान में भी कंपनी के साथ ही काम कर रहे हैं शायद। सो ये दो कंपनीज हैं जो जो कंज्यूमर का फाइनेंशियल डेटा होता है वो सारा ये मेंटेन रखते हैं, और ये फाइनेंशियल डाटा जब वो मेंटेन रखते हैं उसका फ़ायदा ये है कि एक या दो या तीन सेंट्रलाइज बॉडीज होती हैं जो सारा का सारा डेटा मेंटेन रखती हैं। तो ऑब्वियसली वो स्पेशलाइज करते हैं कि डाटा को स्पेशली कैसे मेंटेन रखा जाए, कैसे बेस्ट तरीके से प्रोवाइड किया जाए, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो फिर इन ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करते हैं इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जिस भी क्लाइंट के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और ये जो मैंने आपसे बात की, जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, जैसे एक बंदा पहला बैंक अकाउंट खुलवाता है उसी वक्त ये उसकी इन्फॉर्मेशन ये रखना शुरू कर देते हैं। अगर आप अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में बिना ट्रेंड नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट आपको एक तो फ्री क्रेडिट रिपोर्ट वहाँ से मिलती है, और एक अगर ज़्यादा डिटेल्स अगर उसमें आप चाहिए हों तो वो पेड क्रेडिट रिपोर्ट होती है, वो भी बहुत चीप होती है। लेकिन अगर हम फ्री क्रेडिट रिपोर्ट की बात करते हैं तो फ्री क्रेडिट रिपोर्ट अगर कोई भी बंदा ऑर्डर करता है तो उसे क्या मिलता है, उसके उसको पोस्ट के अंदर या उसको ईमेल के अंदर एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट आ जाता है जिसके ऊपर दिया
होता है कि ये आपकी हमारे पास क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, उसमें ये लिखा होता है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपने कितने लोन्स लिए हैं, आपके पास कितने क्रेडिट कार्ड्स हैं, और अगर आपने लोन लिए हैं तो आपने पेमेंट्स जो पिछली पिछले साल की पेमेंट्स हैं आपने वो हर साल टाइम पे की हैं कि नहीं की, और इस तरह की सब चीज़ें उसमें होती हैं, अवेलेबल होती हैं। सो ये चीज़ें एक तरफ से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज़ कर रहे होते हैं ताकि वो अपनी ऑब्वियसली अपने ऑपरेशंस को इम्प्रूव कर सकें, हमें पता चल सके कि ये बंदा अगर अप्लाई करता है तो हम इसको लोन देंगे या नहीं देंगे, क्रेडिट कार्ड देंगे या नहीं देंगे, कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या नहीं करेंगे। और दूसरी साइड वो लोन के लिए भी बड़ी अच्छी है, लेकिन कई दफ़ा हमें हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि हमारी कौन कौन से लोन्स आउटस्टैंडिंग, हमें पता तो होता है लेकिन हम देखना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली आर क्रेडिट रिपोर्ट होल्ड्स ऑन अस, सो वो भी हम देखते हैं। इसके अलावा से फ्रॉड से भी बचा जा सकता है कि एक आदमी ने अगर कहीं से लोन लिया हुआ नहीं है और उसके नाम पे वो लोन्स की क्रेडिट रिपोर्ट में शो हो रहा है तो उसको पता चल सकता है, वो उसी वक्त उनसे रब्ता करके उन्हें बता सकता है कि मैंने ये लोन लिया नहीं है तो क्यों मेरी क्रेडिट रिपोर्ट पर ये आ रहा है, मेरे पास ये क्रेडिट कार्ड नहीं है तो मेरी क्रेडिट रिपोर्ट पर क्यों आ रहा है। सो अगर वो ऐसे करता है तो उससे इससे फाइनेंशियल फ्रॉड का खदशा भी कम हो जाता है। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव क्रेडिट रिपोर्ट्स ऑन क्रेडिट ब्यूरोज जो क्रेडिट स्कोरिंग को मेंटेन रखें। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। वाइल एडवर्टीजमेंट मे बी अ न्यूजेंस, कंज्यूमर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज अंडरस्टैंड दैट देयर क्रेडिट हिस्ट्रीज एज रिवील्ड इन देयर क्रेडिट स्कोर्स डिटरमिन नॉट ओनली वेदर दे विल क्वालिफाई फॉर लोन्स बट ऑल्सो हाउ मच दे विल पे फॉर देम। विदाउट अ क्रेडिट स्कोर और अ पुअर वन, मिडिल क्लास अमेरिकन लाइफस्टाइल्स आर नियरली इम्पॉसिबल। राइट, सो देख लेंगे जो एडवर्टाइजमेंट्स बार बार उनको दी जाती हैं कि आप क्रेडिट स्कोर हासिल करें इंटरनेट पर आते हैं, ये वो ये एक डिस्टर्बेंस तो होती है, लेकिन कंज्यूमर्स जो हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, यहाँ पे मैं डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करूँ बिकॉज आप लोग पाकिस्तान में सब रहते हैं तो शायद आपको क्रेडिट ब्यूरोज़ का इतना पता ही ना हो, बिकॉज हमारे यहाँ भी ये इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, क्रेडिट ब्यूरोज़ अपने खोले हुए, एक क्रेडिट ब्यूरो खोला है, आप अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्रेडिट ब्यूरो सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। अब पाकिस्तान में भी ये सारी इन्फॉर्मेशन सेंट्रलाइज रखी जाती है कि कोई आदमी अगर लोन लेता है तो उसने कहाँ से लोन लिया, क्रेडिट कार्ड है तो कितने कार्ड्स हैं, और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज़ करते हैं जब आपको वो लोन वगैरह देने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन लोगों तक अभी तक इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। वी आर स्टिल इन द ट्रांजिशन प्रोसेस, वी आर अ डेवलपिंग कंट्री, और फ्यूचर में देर इज़ अ गुड पॉसिबिलिटी कि जैसे ही वेस्ट में सारा सिस्टम चल रहा है हमें भी उस तरह से सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी और इसके बड़े अच्छे असरात होंगे हमारे मुल्क के फाइनेंशियल पेनिट्रेशन में और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा बिकॉज वो ज़्यादा आसानी वो अभी भी है उनके लिए, लेकिन इसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि ये हो जाए और उनके ऑपरेशन ज़्यादा और स्मूथ हो जाए। Consumers in developed countries understand that their credit histories as revealed in their credit scores determine not only whether they will qualify for loans but also how much they will pay for them. So ये एक डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन कंज्यूमर जो डेवलप कंट्रीज में उन्हें पता है कि जो उनकी क्रेडिट हिस्ट्रीज होती हैं एज रिवील देयर क्रेडिट, जो उनकी क्रेडिट स्कोर है, और क्रेडिट स्कोर हर बंदे का एक होता है जिसमें आपने अगर मैंने क्रेडिट रेटिंग्स का बताया था कि क्रेडिट रेटिंग जो फर्म्स होती हैं वो कंपनीज की क्रेडिट रेटिंग करती हैं तो उसमें उन्होंने रखे होते हैं ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, इसी तरह से इन्होंने नंबरिंग की होती है, ये 1 से 30 तक नंबर होते हैं और उसके दरमियान जो बेस्ट होता है वो 30 होता है, जो वर्स्ट होता है वो 1 to 5 होता है। सो ये उनका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो डिटर्मिन करता है कि वो क्वालिफाई करेंगे, अगर मैं भी कहीं से लोन अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ सबसे पहले मैं रिपोर्ट देखूंगा, वो मैं देखूंगा क्या मुझे दे देंगे कि नहीं देंगे। सो अगर मेरा बहुत बुरा क्रेडिट स्कोर है तो फिर तो मैं अप्लाई नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि पहले अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करूँ, अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बनाऊँ, कैसी चीज़ें करूँ, और जब वो हो जाएगा तब जाकर मैं कोई बड़ा लोन या फिर ऐसी चीज़ अप्लाई कर सकता हूँ। सो जो क्रेडिट स्कोर होता है वो डिटर्मिन करता है नॉट ओनली वेदर दे क्वालिफाई फॉर लोन्स, ये डिटर्मिन सिर्फ ये डिटर्मिन ही करता है कि वो क्वालिफाई करेंगे लोन्स के लिए कि नहीं, बट ऑल्सो हाउ मच दे विल पे फॉर देम, और ये भी डिटर्मिन करते हैं कि इंटरेस्ट रेट उनको कितना पे करना पड़ेगा, बिकॉज इफ अगर हिस्ट्री इज बैड तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा, अगर अच्छी हिस्ट्री है वो एक सेफ कस्टमर है तो इंटरेस्ट रेट लो होगा, द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न, यू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल थ्योरी। विदाउट अ क्रेडिट स्कोर और पुअर और विद अ पुअर वन, मिडिल क्लास अमेरिकन लाइफ स्टाइल नियर इम्पॉसिबल। अगर क्रेडिट स्कोरिंग ना हो या फिर एक बहुत बुरा सिस्टम हो क्रेडिट स्कोरिंग का तो जो मिडिल क्लास अमेरिकन या वेस्टर्न डेवलपिंग कंट्रीज में जो लाइफ स्टाइल है वो नियरली इम्पॉसिबल हो। इम्पॉसिबल इसलिए हो जाए कि उन लोगों ने जो जॉब पे जॉब देखिए मेजोरिटी लोग वही होते हैं जो जॉब्स कर रहे होते हैं, और वो जो जॉब कर रहे होते हैं वो काफ़ी बड़ी जो चीज़ें बाय कर, देखिए अगर आपने देखा होगा तो अमेरिका में हर बंदे का अपना या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो हर इंसान का अपना घर होता है, हर बंदे की अपनी गाड़ी होती है, और जो भी उसको चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो अपनी हासिल कर लेता है। लेकिन ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं, अगर आप एक बंदा है जो जॉब कर रहा है उसके लिए अगर उसे खुद सेविंग करके ये चीज़ें लेनी पड़े
तो हो सकता है कि वो इतनी सेविंग इतनी आसानी से ना कर पाए। अगर हम पाकिस्तान के एग्जांपल में देखते हैं तो अब हमारे यहाँ कार ओनरशिप का रेट काफ़ी बढ़ चुका है, बिकॉज अगर आपने देखा होगा पिछले अरसे में ऑटो लोन्स बड़ी आसानी से मिलते रहे और अभी भी मिल जाते हैं। सो ये ऑटो लोन्स जो आसानी से मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें हमारे मुल्क में कार ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और उसके अलावा अगर हम हाउस ओनरशिप को देखें तो हाउस ओनरशिप अभी शायद उस तरह से उतनी नहीं बढ़ सकी, या फिर उसमें अभी भी मसाइल वगैरह मौजूद हैं, इसलिए कि हाउसिंग फाइनेंस हासिल करना अभी भी काफ़ी मुश्किल है। और जनरली भी हम देखें, अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अब जो हमारे कंज्यूमर फाइनेंस, अगर हमारे रिटेलर्स हैं, आप अगर कोई टीवी वगैरह लेने के लिए जाते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं, तो वो भी आपको फाइनेंसिंग ऑफर करते हैं, आपको फाइनेंसिंग मिल जाती है। सो अमेरिका में ये सारा सिस्टम, यहाँ पे डेवलपिंग वर्ल्ड में सारा सिस्टम क्रेडिट रिपोर्ट्स के बेसिस पे चल रहा होता है, और ये सब लाइफ स्टाइल इस वजह से पॉसिबल है कि जब कोई बंदा जाता है लोन लेने के लिए तो उन्हें तो फाइनेंशियल सिचुएशन को पता होता है कि इसका रिस्क कितना है, और उसके मुताबिक उसको इंटरेस्ट रेट और लोन दे दिया जाता है। अगर उनको कोई आइडिया ना हो तो ये देखिए, इन्फॉर्मेशन अगर मौजूद ना हो, अगर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो क्या इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन। शायद आपने ये इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम पढ़ी हो, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन का। उसमें यह है कि जो कंज्यूमर के पास इन्फॉर्मेशन है वो कुछ और है, और जो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन के पास इन्फॉर्मेशन है वो कुछ है ही नहीं है। तो फिर कैसे ये इंटरेक्शन होगा? ये तभी इंटरेक्शन पॉसिबल होगा जब एक सेंट्रलाइज बॉडी होगी जो जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी कंज्यूमर्स को, वो जाके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को देगी, और ट्रस्ट म्यूचुअली बढ़ेगा, तब जाके ट्रांजेक्शन पॉसिबल होंगे। सो जो मिडिल क्लास डेवलप्ड कंट्रीज में उनका एक लाइफ स्टाइल अच्छा मेंटेन है, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द क्रेडिट स्कोरिंग। अगर ये ना हो तो उन्हें वो डेट मिले ही ना, उन्हें वो लोन्स मिले ही ना, और वो कभी भी इस तरह का लाइफ स्टाइल ना गुजार सकें, उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो। हमारे यहाँ अगर मिडिल क्लास में भी इश्यूज़ हैं तो ज़्यादा इसी वजह से हैं कि बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनकी पेमेंट कैपेसिटीज़ हैं वो बैंकिंग सिस्टम तक पहुँचते ही नहीं है, या फिर अगर किसी को कुछ चाहिए होता है तो वो आगे जाके बैंकिंग सिस्टम से वो मराहत हासिल नहीं कर सकता। सो क्रेडिट ब्यूरोज कैन प्ले अ ह्यूज पार्ट इन दिस। कट टू द ओनर ऑफ अ स्मॉल बट ग्रोइंग शॉप ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दार एस सलाम तंजानिया, विद नो रिकग्नाइज आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन ए कंट्री वेयर पीपल ऑफन बेयर द सेम नेम्स, ही कैन नॉट एस्टेब्लिश हिज यूनिक आइडेंटिटी। इफ ही हैज़ बोरोड फ्राम अ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइड तंजानिया, हिज गुड रीपेमेंट रिकॉर्ड विल डू हिम नो गुड एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सो हम बात करते हैं कि जहाँ पे हमारे क्रेडिट ब्यूरोज और क्रेडिट स्कोरिंग नहीं है तो वहाँ पे सिचुएशन क्या चल रही है। सो हम एक देखते हैं, कट टू द ओनर ऑफ अ स्मॉल बट फास्ट ग्रोइंग शॉप इन आउटस्कर्ट्स ऑफ दार एस सलाम तंजानिया। हम तंजानिया की बात करते हैं, दार एस सलाम में एक शॉप है, कोई शॉप है जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करी, इट्स अ फास्ट ग्रोइंग शॉप विद नो रिकग्नाइज आइडेंटिफिकेशन कार्ड इन अ कंट्री वेयर पीपल ऑफन बेयर द सेम नेम। अब यहाँ पे उसके पास कोई ऑफिशियल विद नो रिकग्नाइजेशन रिकग्नाइज आइडेंटिफिकेशन कार्ड, उसके पास कोई रिकग्नाइज आईडी कार्ड भी नहीं है, और वहाँ पे जितने एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे मोस्टली लोगों के नाम हैं वो सेम ही होते हैं। सो नाम एक आइडेंटिटी तो नहीं हो सकता, आपने देखा ही होगा कि नाम तो बहुत लोगों के सिमिलर होते हैं, सो आइडेंटिटी के लिए सब कुछ डिफरेंट शेयर होता है। पाकिस्तान में वी हैव अ गुड सिस्टम, नादरा हैज़ प्रोवाइडेड हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब इन डूइंग दैट, लेकिन देर आर स्टिल सम माइलस्टोन इट हैज़ टू रीच, और वो इंशाल्लाह में वहाँ तक भी पहुँचना चाहिए। हम तंजानिया की एग्जाम्पल करते हैं तो इनके पास कोई रिकग्नाइज आइडेंटिफिकेशन कार्ड नहीं होते, ही कैन नॉट एस्टैब्लिश हिज यूनिक आइडेंटिटी, वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी इस्टेब्लिश ही नहीं कर सकता। इफ़ ही हैज़ बोरोड फ्राम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइड तंजानिया, अगर उसने कुछ बोरो किया है किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन लाइक प्राइड तंजानिया, वहाँ पर एक माइक्रो फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उनसे बोरो किया है, हिज गुड रीपेमेंट स्कोर विल डू हिम नो गुड एट स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, अगर वो अच्छे तरीके से उनको पे बैक करता है, उसकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री है, तो उसकी जो हिस्ट्री है उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास जाता है कि मुझे एक लोन चाहिए, तो बिकॉज स्टैंडर्ड चार्टर्ड के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे उन्हें पता चले कि इस बंदे की क्या हिस्ट्री है। पहली बात की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो रही, सेकेंड बात कि अगर इसने पहले कोई क्रेडिट हिस्ट्री है, इसने कहीं से लोन लेके टाइम पे वापस किए तो अगर उसको फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो कोई अगर ऐसे हमारे पास क्रेडिट ब्यूरो है ही नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे इन तक पहुँचेगी। तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड चार्टर्ड तो इन्हें बैंक लोन कभी नहीं देगा, बिकॉज दिस इज अ कन्वेंशनल बैंक। सिंस देयर इज नो सिस्टम फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन बैंक एंड MFIs, द एंड रिजल्ट इन ऑल लाइकलीहुड स्टैंडर्ड चार्टर्ड विल टर्न हिम डाउन एंड प्राइड तंजानिया विल नो दैट ही इज़ अ कैप्टिव क्लाइंट विच रिड्यूस इट्स इंसेंटिव टू गिव हिम अ बेटर सर्विस एट लोअर कॉस्ट। सो देखिए, सबसे पहली बात, सिंस देयर इज नो सिस्टम फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिटवीन बैंक एंड बैंक्स और माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के दरमियान इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का कोई सिस्टम है ही नहीं। द एंड रिजल्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था, इन ऑल लाइकलीहुड स्टैंडर्ड चार्टर्ड विल टर्न हिम डाउन,
स्टैंडर्ड चार्टर्ड उसे कभी लोन देगा ही नहीं। अगर स्टैंडर्ड चार्टर्ड लोन नहीं देगा तो चलिए उसको उसके ऑप्शन तो है ना कि उसे माइक्रो फाइनेंसिंग से लोन मिला, लेकिन माइक्रो फाइनेंसिंग वालों को भी पता होता है कि इससे कहीं और से लोन नहीं मिलेगा। पायर तंजानिया विल नो दैट ही इज़ अ कैप्टिव क्लाइंट। कैप्टिव आपको पता है जो कैदी को कैप्टिव कहते हैं, सो यहाँ पे कैप्टिव क्लाइंट की डेफिनेशन ये है कि पायर तंजानिया को पता है कि हम ही ओनली ऑप्शन है, हम इसके लिए एक ही ऑप्शन है जहाँ से इसको लोन मिल सकता है और कहीं से इसको लोन नहीं मिलेगा। तो अगर उसको लोन की ओर से नहीं मिलना तो उन्हें पता है ये बंदा हमारे पास ही है, जैसी मर्जी को हम ट्रीटमेंट करेंगे। सो विच रिड्यूसेज इट्स इंसेंटिव टू गिव इम बेटर सर्विस एट लोअर कॉस्ट। जो पायर तंजानिया की जो इंसेंटिव है वो रिड्यूस हो जाते हैं कि वो उसको बेटर सर्विस दें लोअर कॉस्ट पे, बिकॉज उन्हें पता है कि इस कॉस्ट पे हम इसको सर्विस प्रोवाइड करें और कोई नहीं करेगा। कन्वेंशनल सिस्टम है जो, वो तो उन्हें पता ही नहीं है इसकी क्वालिटी क्या है, सही क्या सब चीज़ें। सो इस वजह से वो भी उसको इतनी अच्छी ट्रीटमेंट नहीं करते जो उनको करनी चाहिए। सो कैट स्कोर्स ना होने की वजह से दोनों तरह से नुकसान है। एक तो कन्वेंशनल सिस्टम आपको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने आप को उस तरह से इंप्रूव नहीं करेंगे अनलेस के माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन बहुत सारे हो जाए और उनका आपस में कंपटीशन हो, जैसा कि हमने नॉर्थ अमेरिका में देखा है कि वहाँ पे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस काफ़ी सारे हैं, उनका आपस में कंपटीशन है, इसलिए जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो सर्विस है वो भी अच्छी है। लेकिन अगर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इतने ज़्यादा नहीं है तो देन क्लाइंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। टुडेज वेब ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ओरिजिनेटेड अ सेंचुरी अगो इन ब्लैक लिस्ट ऑफ बैड कस्टमर्स कंपाइल्ड एंड शेयर्ड बाई मर्चेंट्स। फॉर्मल क्रेडिट ब्यूरोज ग्रू आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन, टेकिंग ऑन ब्रॉडर ग्राफिक रेंजेस ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन। आजकल की जो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन है, टुडेज वेब ऑफ क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इन यूनाइटेड स्टेट ओरिजिनेटेड अ सेंचुरी अगो इन ब्लैक लिस्ट ऑफ बैड कस्टमर्स कंपाइल्ड इन शेयर में मर्चेंट्स। जो ये ओरिजिनल जो हमारा एक क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाया जो सबसे पहले अमेरिका में बना, ओरिजिनेटेड अ सेंचुरी अगो, कम से कम 100 साल पहले बना, इन इन ब्लैक लिस्ट ऑफ बैड कस्टमर्स कंपाइल इन शेयर में, बिकॉज मर्चेंट्स ऑब्वियसली मर्चेंट्स तो काफ़ी पुराने हैं और मर्चेंट्स एक लिस्ट बनाते थे कि ये हमारे ब्लैक लिस्टेड लोग हैं, इन्होंने हमारे लोन्स लिए हैं, लोन्स वापस नहीं किए, इनकी अच्छी नहीं है परफॉर्मेंस, या फिर कुछ भी मसाइल अगर उन्हें उन लोन्स दिए गए और वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा तो मर्चेंट्स एक ब्लैक लिस्टेड रिस्क रखते थे, लिस्ट रखते थे अपने लिए जिसमें उनके उन्हें रखा होता कि इन लोगों को लोन नहीं देना। सो वो एक दूसरे से शेयर भी करते थे, अगर किसी के पास कोई बंदा जाता था तो वो दूसरे मर्चेंट से पूछते थे आपके लिस्ट में इसका नाम तो नहीं, अगर है तो उसको लोन ना दिया जाए। सो यहाँ से बिकॉज देखें उस टाइम भी ये रिक्वायरमेंट ये थी कि ये जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है जिसका फ़ायदा कस्टमर उठाता है और जिसका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या मर्चेंट्स जो भी फाइनेंसिंग प्रोवाइड कर रहा है उसको काफ़ी नुकसान है इस चीज़ का, तो वो इसे बचने के लिए ब्लैक लिस्ट बनाते थे जिनको शेयर किया जाता था। लेकिन जो फॉर्मल क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो ज़्यादा ग्रो हुए हैं वर्ल्ड वॉर वन के बाद, पहली जंग अजीम के बाद, टेकिंग ऑन ब्रॉडर जियोग्राफिक रोल्स ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। उसके अलावा ये उसके बाद हमने देखा कि उनका इन्हें एक बड़ा जियोग्राफिक रोल लिया है बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी मोबाइल हो चुकी थी। इसके बाद बैंक्स ज्वाइन इन टू सपोर्ट देयर ग्रोइंग पर्सनल स्मॉल बिजनेस एंड मॉर्गेज लेंडिंग बिजनेस। ऑल्दो दीज सिस्टम्स took more than a generation to evolve, their spread to new countries is proceeding much faster. So, अब यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि जो बैंक्स हैं, बैंक्स ज्वाइन इन टू सपोर्ट देयर ग्रोइंग पर्सनल स्मॉल, बैंक्स ने भी इनको क्रेडिट ब्यूरोज को ज्वाइन किया, ज्वाइन इन टू सपोर्ट मतलब ज्वाइन इन टू सपोर्ट ने सपोर्ट किया बिकॉज ने ऑब्वियसली बैंक्स का फायदा है अगर वो अपने पर्सनल स्मॉल बिजनेस या मॉर्गेज लेंडिंग को ग्रो करना चाहते हैं तो दे नीड अ सिस्टम लाइक दिस। ऑल्दो दीज सिस्टम्स टुक मोर देन जनरेशन टू इवॉल्व, दे स्प्रेड टू न्यू कंट्रीज इज प्रोसीडिंग मच फास्टर। शुरू में ये जो सिस्टम बना है क्रेडिट ब्यूरोज का, ये काफ़ी अर्सा लगा इसको कंपाइल करने में, एंड इट टुक अ मोर देन अ जनरेशन टू इवॉल्व, काफ़ी लंबा अर्सा लगा इसको बनने में, लेकिन जो अब स्प्रेड हो रहा है नई मुल्कों की तरफ इज प्रोसीडिंग मच फास्टर, वो काफ़ी तेजी से स्प्रेड हो रहा है नए मुल्कों की तरफ। अब देखें अगर हम बात करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल मैं बताता हूँ कि देखें जो टेली कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में एक बना था, पहले जो लैंड लाइन का सिस्टम था उसको बहुत लंबा अरसा लगा बनने में, लेकिन हमने देखा है कि अब जो नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है मोबाइल, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर रही है। हमने हमेशा सबसे पहले नाइजीरिया के एग्जाम्पल में आपको बताया था कि नाइजीरिया में 20 साल में जो लैंड लाइन है वो लगी वो काफ़ी कम लगी थी, लेकिन जैसे ही मोबाइल्स आए तो कम्प्लीटली उसने ओवरटेक कर लिया और ऑलमोस्ट अब ऑलमोस्ट हर नाइजीरियन के पास एक मोबाइल फ़ोन है। सो ये हम बात करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी
टाइम जब एक टेक्नोलॉजी एक जगह चल जाती है तो पहले तो उसे चलते हुए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो बाकी लोग उस टेक्नोलॉजी को अप्लाई करना चाह रहे होते हैं वो बड़ी जल्दी कर लेते हैं। सो अब हम ये देख रहे हैं कि जो स्प्रेड है नई कंट्रीज में क्रेडिट ब्यूरोज और क्रेडिट स्कोरिंग का, वो काफ़ी फास्ट है। द वैल्यू ऑफ क्रेडिट ब्यूरो फॉर द बी ओ पी मार्केट। सो हम बॉटम बेसिकली हमारा फोकस बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट है, वो मार्केट जिसको माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन सर्व करते हैं। हम ये देखते हैं कि जो वैल्यू ऑफ क्रेडिट ब्यूरो, जो क्रेडिट ब्यूरोज की वैल्यू बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट के लिए क्या है। क्रेडिट ब्यूरोज आर वाइडली रिकग्नाइज एज कंट्रीब्यूटिंग टू क्रेडिट ग्रोथ इन द फाइनेंशियल सिस्टम, लोअर कॉस्ट फॉर गुड बोरोज एंड अ वाइडर सर्कल ऑफ बोरोज रीच। सो क्रेडिट ब्यूरोज वाइडली रिकग्नाइज होते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करते हैं क्रेडिट ग्रोथ। ऑब्वियसली जब इंफॉर्मेशन मौजूद होगी ज़्यादा तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ज़्यादा ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे जिसको भी वो लोन देंगे उसके ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारे जो क्रेडिट ग्रोथ है वो बढ़ेगी इन द फाइनेंशियल सिस्टम, लोअर कॉस्ट फॉर गुड बोरोज एंड उसके अलावा अगर कोई एक अच्छा बोरोअर है तो उसको मौका मिलता है कि वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बता सके कि आई एम अ गुड बोरोअर, मेरी हिस्ट्री आप देख लें एंड आई विल मैं फ्यूचर में एक लेस बैड रिस्क हूँ, इसलिए जो उसको इंटरेस्टेड मिलेगा वो कम मिलेगा। सो लोअर कॉस्ट फॉर गुड बोरोअर्स एंड अ वाइडर सर्कल ऑफ बोरोअर्स रीच। उसके अलावा एक वाइडर सर्कल ऑफ बोरोअर्स रीच हो जाते हैं कि जब क्रेडिट ब्यूरोज को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इतने ज़्यादा लोगों के बारे में, तो हो सकता है पहले कुछ लोगों के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो जिसकी वजह से उसको उनको कोई कुछ ऑफर ना कर पा रहे हो, लेकिन जब ये इन्फॉर्मेशन लोग उनको मिल जाती है लोगों के बारे में तो फिर एक जो बोरोअर्स का सर्कल है वो बढ़ जाता है, पहले जो लोग कंसिडरेशन में नहीं थे वो कंसिडरेशन में आ जाते हैं। An international finance company survey based on 5,000 firms in 51 countries found that in countries with credit bureaus, there was 40% probability of small firms obtaining a loan. So, international finance company ने एक survey किया जिससे हमें पता चलता है और survey जो है वो 5,000 firms का काफ़ी बड़ा sample था उनका और 51 मुल्कों में so it is not a small sample, it's a good size sample और इसकी findings से पता चलता है found that in countries with credit bureaus कि जो जो मुल्क जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज हैं देर वॉज अ 40% प्रॉबिलिटी ऑफ स्मॉल फंड्स ऑब्टेनिंग अ लोन, वहाँ पे 40% प्रॉबिलिटी है, 40% प्रॉबिलिटी है कि छोटी फर्म्स को लोन मिल जाए। सो देख लें इफेक्ट कितना ज़्यादा कि हमारे पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में आप देख लेंगे जो शॉपकीपर्स, इवन मैं नॉर्मल साइज शॉपकीपर्स की भी बात करता हूँ, तो इट इज़ वेरी हार्ड फॉर देम टू गेट द लोन्स। बड़े शहरों में तो शायद फैसिलिटीज़ मौजूद हैं लेकिन अगर हम आउटस्कर्ट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है लोन लेना, एंड इवन अगर आप आउटस्कर्ट्स में चले जाएँ तो वहाँ पर अगर कोई बड़े ऐसे लोग जिनके पास अच्छी खासी कैश फ्लोज भी मौजूद हैं वहाँ उनको भी उनके लिए भी लोन लेना बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज ऑब्वियसली एक सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद नहीं है और जो हमने देखा है कि हमारे बैंक्स की जो प्रायोरिटी है वो भी नहीं होती स्मॉल फर्म्स को लोन देने की, वो यही कोशिश करते हैं तो बहुत बड़ी फर्म्स को लोन दिया जाए या तो गवर्नमेंट को लोन दिया जाए। सो दैट इज़ एन इश्यू, राइट। सो हमने देखा कि जो जिन मुल्कों में क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, ये इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सर्विस से पता चलता है, वहाँ पे 40% प्रोबेबिलिटी 40% प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल फर्म्स को लोन मिल जाएगा और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे देखते हैं, वर्सेस 28% प्रोबेबिलिटी इन कंट्रीज विदाउट क्रेडिट ब्यूरोज, और जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज मौजूद नहीं है वहाँ पर प्रोबेबिलिटी सिर्फ 28% है। सो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, आप देखें अगर 12 पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है, अगर और बिजनेसेस को टाइम पे लोन्स मिल जाते हैं तो वो बिजनेसेस कितने ग्रो कर सकते हैं, उसका हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे कितना अच्छा इफेक्ट आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे कितना अच्छा इफेक्ट आ सकता है, एट द एंड ऑल दिस वैल्यू कैन बी ब्रॉट बाय द क्रेडिट ब्यूरोज स्पेशली इन द बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट। इन कंट्रीज विद क्रेडिट ब्यूरोज 27% ऑफ स्मॉल फर्म्स रिपोर्टेड हैविंग क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स वर्सेज 49% ऑफ स्मॉल फर्म कंट्रीज विदाउट क्रेडिट ब्यूरोज। सो जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज मौजूद है इसको मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और जिनको लोन चाहिए उनको बड़ी आसानी से लोन मिल जाते हैं, जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज मौजूद भी हैं वहाँ पे 27% स्मॉल फर्म्स जो हैं उन्हें रिपोर्ट किया है कि उनको क्रेडिट कंस्ट्रेंट, उन्हें क्रेडिट रिक्वायर्ड है लेकिन उन्हें क्रेडिट मिल नहीं रहा। सो 27% वहाँ पे भी है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज नहीं है वहाँ पे नंबर 49% हो जाता है वर्सेज 49% ऑफ स्मॉल फर्म्स इन कंट्रीज विदाउट क्रेडिट ब्यूरोज, जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज नहीं है वहाँ पे 49% ही नंबर हो जाता है, ही डबल ऑलमोस्ट डबल हो रहा है नंबर के वहाँ पे स्मॉल फर्म्स कहते हैं कि वी रिक्वायर क्रेडिट फॉर आवर ग्रोथ पर्पसेस, फॉर आवर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस, फॉर वट एवर पर्पसेज दे वॉन्ट टू इम्प्रूव दर बिजनेस, लेकिन दे से दैट दे आर कंस्ट्रेंड उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा। 49%
without credit bureaus and 27% with credit bureaus. Credit bureaus respond to two of the four challenges of POP financing markets. So जो credit bureaus हैं वो respond करते हैं दो challenges को, two of the four challenges of the BOP market. First, reducing costs and managing risks. हमने BOP market के challenges पहले देखे थे शुरू में कि BOP market में अगर operate करते हैं तो आपको cost अपनी reduce करनी पड़ेगी, and हमने देखा है कि जो MFI institutions हैं वो ये करने के लिए informality को ले आते हैं. अगर वो ज़्यादा formal procedure रखते हैं तो वो सारा उनका नहीं चलता है, documentation requirements को छोड़ देते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं ताकि अपनी cost reduce कर सकें. एंड दूसरा रिस्क मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, बिकॉज अगर हमने देखा है कि अगर एक कन्वेंशनल सिस्टम में एक रिस्क मैनेज करना आसान है, लेकिन माइक्रो फाइनेंसिंग में ज़्यादा मुश्किल है, बिकॉज जो लोग होते हैं वो जो ऑपरेट कर रहे होते हैं वो बड़े मुश्किल सर्कमस्टांसिस में कर रहे होते हैं. सो यहाँ पे हमने देखा है कि रिस्क मैनेज करने के लिए सोशल इंटरमीडिएशन प्रोवाइड की जाती है और कॉन्स्टेंटली इन टच आता रहता है. जो लोन ऑफिसर होते हैं वो डिफरेंट किस्म के होते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम ये देख सकते हैं जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस कॉस्ट. एक तो पहली बात MFI इंस्टीट्यूशंस में BOP मार्केट में कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए. सिंस माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस वर्क इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिट ब्यूरोज, दे डेवलप डिफरेंट वेज टू मीट दिस चैलेंजेस. लेकिन क्योंकि माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने काम करना शुरू किया था इन द एब्सेंस ऑफ क्रेडिट ब्यूरोज, यानी कि जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज मौजूद नहीं थे, दे डेवलप डिफरेंट वेज टू मीट दिस चैलेंजेस. तो उनको कॉस्ट रिड्यूस करने, रिस्क मैनेज करने जो और चैलेंजेस थे उन्होंने और मुख्तलिफ तरीके निकाले इन चैलेंजेस को मीट करने के लिए. मेनी ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग इनोवेशंस ऑफ माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग मेथोडोलॉजीज वर क्रिएटेड टू असेस और मोटिवेट गुड रिपेमेंट बिहेवियर बाय इनफॉर्मल सेक्टर क्लाइंट्स इन प्लेसेस विदाउट क्रेडिट ब्यूरोज. अब बहुत सारी इनोवेशंस की गई हैं, बहुत सारी जो इनोवेशन की गई हैं माइक्रो फाइनेंसिंग लेंडिंग के अंदर, या मेथोडोलॉजीज हैं जो बनाई गई हैं वो इसलिए कि वो असेस किया करें या मोटिवेट कर सकें गुड रिपेमेंट बिहेवियर, अच्छा रिपेमेंट बिहेवियर को मोटिवेट कर सकें बाय इनफॉर्मल सेक्टर क्लाइंट्स इन प्लेसेस विदाउट क्रेडिट ब्यूरोज. गुड बिहेवियर वो मोटिवेट कर सकें बाय इनफॉर्मल सेक्टर क्लाइंट्स, जो इनफॉर्मल सेक्टर क्लाइंट्स इन प्लेसेस ऐसी जगहों पर जो ऑपरेट करें जहाँ पे क्रेडिट ब्यूरोज नहीं. अगर हम पहली बात करते हैं कि देखिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसी के बारे में, जो एक बंदा एक नया बंदा हमारे पास आता है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का लोन लेने के लिए, ना तो उसके पास कोई आईडीज हैं, ना उसके पास कोई अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन जो हमें बता सकता हो. और जो एक इनोवेशन की है मैंने अक्सर में जिसका जिक्र करता हूँ कि आप ग्रुप गारंटीज पर लोन देते हैं, तो ग्रुप गारंटीज में भी इसी चीज़ को मोटिवेट किया जा रहा है कि जो बंदे उनको एज ए ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए ताकि वो जो एक जो जिस बंदे के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हम उस पर रिस्क ले रहे हैं तो हम पूरे ग्रुप के ऊपर रिस्क लें बजाय इसके कि इंडिविजुअल पर रिस्क लेंगे. अगर ग्रुप पर रिस्क लेंगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि पूरा ग्रुप मोटिवेट करेगा सबको, अगर एक आध कोई सही काम नहीं करे तो उसको भी आगे ले आने की कोशिश करेगा. लेकिन अगर हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो और तो तब हमें ग्रुप गारंटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब हमें पता है कि ये कि इनका क्या सिस्टम चल रहा है, कैसे होगा सब कुछ. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. दीज फीचर्स इंक्लूड ग्रुप गारंटीज, सो आई जस्ट सेड दैट. स्टेप लोन्स मूविंग फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर लोन्स थ्रू गुड रिपेमेंट परफॉर्मेंस. सो आपने अगर आपको मैं बैंक को एग्जांपल याद हो तो एक खातून ने जो लोन लिया था शुरू में उन्हें ग्रुप लोन मिला, जब उन्हें उसको रिपे करना शुरू किया था उसके बाद उन्हें गारंटीज पर लोन मिले जो छोटे छोटे लोन थे, पहले 10,000 का लोन फिर 20,000 का. तो जब एक अच्छा एक ट्रैक रिकॉर्ड ये लोग बना लेते हैं तो उनको ज्यादा बड़े लोन्स दिए जाते हैं, इसको स्टेप लोन्स कहते हैं. Moving from smaller to larger loans, good repayment performance. So ये credit report ही उनकी बन रही होती है जिसमें देखते हैं कि यार ये बंदा इसको पे कर रहा है तो ठीक है इसको और अब चांस देते हैं, देखते हैं फ्यूचर में क्या करेगा. इसी तरह से credit reporting सिस्टम चलता है, लेकिन अलमिया ये है कि हर जगह पर मौजूद नहीं होता और माइक्रो फाइनेंसिंग को खुद से सब कुछ काम करना पड़ता है, खुद से ये सारा सिस्टम बनाना पड़ता है. और अगर एक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखता है तो उससे कंज्यूमर के नुकसान है कि वो कैप्टिव कस्टमर बन जाते हैं, बिकॉज ये सारी इंफॉर्मेशन एक इंस्टीट्यूशन के पास होती है, ये शेयर तो नहीं की जा रही, और अगर शेयर नहीं की जा रही तो ये नहीं के साथ रहेगा और जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हो सकता है वो देखेंगे अगर ये इसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है तो फ्यूचर में इसको हम जिनके साथ ओरिजिनली जिन्होंने लोन दिया हम उनसे बेटर टर्म्स में इसको लोन दे देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सेंट्रलाइज तब तक पॉसिबल नहीं जब तक एक सेंट्रलाइज ब्यूरो ना हो जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाए. उसके अलावा नॉन ट्रेडिशनल कोलैटरल
and individual working capital credit assessments. Although these methods are effective, they come with hefty administrative costs that require high interest rates. So ये सब चीज़ें इफेक्टिव तो हैं, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट चाहिए होती हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन की मुश्किल होती है, नॉन ट्रेडिशनल कोलेटरल लेते हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट करते हैं, लोन ऑफिसर्स को भेजते हैं, तो ऑब्वियसली उस पर पैसा ज़्यादा लगता है। दे कम विद हेफ्टी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट दैट रिक्वायर हाई इंटरेस्ट रेट। सो दैट्स वाई जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ता है माइक्रो इंस्टीट्यूशन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को, वो हाई इसलिए होता है कि इस सारे प्रोसेस की वजह से जो कि क्रेडिट ब्यूरो को करना चाहिए वो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को खुद से करना पड़ता है। दैट्स व्हाई द इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस हाई। इन कंट्रास्ट, क्रेडिट डिसीजंस इन द डेवलप्ड कंट्रीज कैन बी मेड नियरली इंस्टेंटेनियसली फॉर अ स्मॉल फी थ्रू ऑटोमेटेड कंसल्टेशन विद क्रेडिट ब्यूरोस। अगर इसे हम कंट्रास्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का, तो वहां पर जो क्रेडिट डिसीजन होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली हो जाते हैं फॉर अ स्मॉल फी थ्रू ऑटोमेटेड कंसल्टेशन क्रेडिट ब्यूरो। एक छोटी सी फीस ली जाती है, लेता है क्रेडिट ब्यूरो और ये सारा इन्फॉर्मेशन देता है जिसके ऊपर डिसीजन हो जाता है। अगर आप मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, तो आप किसी बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं, अगर आपको एक लोन चाहिए या फिर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, कोई भी ऐसी फैसिलिटी चाहिए, आप वहाँ पे फॉर्म फिल करते हैं और जैसे आप फॉर्म फिल करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप जब एंटर दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी जो डेटा बेस होती है वो कनेक्टेड होती है क्रेडिट ब्यूरो के डेटा बेस के साथ, उसी वक्त वो इन्फॉर्मेशन मैच कर लेते हैं एंड विद इन सेकेंड्स दे गिव यू द डिसीजन कि आपको ये लोन या क्रेडिट कार्ड या जो भी फैसिलिटी वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर मिलनी होती तो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके घर वो आपका क्रेडिट या डेबिट कार्ड आ जाता है जिसके थ्रू आप वो पैसे यूज़ कर सकते हैं और रीपेमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं मिलनी तो उसी वक्त बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू योर क्रेडिट स्कोर यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर दिस लोन और दिस फैसिलिटी, हम आपको नहीं दे सकते। सो देखें, दूसरे अगर क्रेडिट ब्यूरो नहीं है तो कितना लंबा प्रोसेस है वो सारी इन्फॉर्मेशन देती है। क्रेडिट ब्यूरो है तो कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं, बैंकिंग के कस्टमर्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोन्स के कस्टमर्स कितने ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कितनी और फैसिलिटीज आसानी से अवेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स। लेकिन अगर ये नहीं है तो इट इज़ अ लॉट हार्डर फॉर द बैंक्स टू मेक डिसीजंस। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अभी भी हम उस पुराने मॉडल पर चल रहे हैं कि जिस एरिया में बैंक जाता है वहाँ पर कोई लोकल बंदा बैंक एक ले लेता है, ताकि लोकल बंदा बैंक लेता है एज अ मैनेजर और उसकी रिस्पांसिबिलिटी लगाई जाती है कि आपने डिपॉजिट इकट्ठे करने, वो अपने जानने वाले से डिपॉजिट ला के देता है और उसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि देखें कौन सा कोई अच्छा ऐसा बंदा इसको लोन प्रोवाइड किया जा सकता है। सो यहाँ पर अभी तक वो सिस्टम सारा पर्सनल उस पर चल रहा है और वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट इंडिविजुअल्स हु आर इंटरेस्टेड इन सीकिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। For this reason, credit bureau development could be a potential boon for microfinancing institutions and a facilitator of greater competition in BOP market. So, इसलिए जो credit bureaus होते हैं, वो इस system को बड़ा अच्छा इस system में बड़ा अच्छा help कर सकते हैं और एक facilitator बन सकते हैं, जो कि जिसकी वजह से market में competition ज़्यादा और BOP market को ज़्यादा अच्छी facilities मिल सकें। ये सो ओवरऑल हमें इसको जो हमारा पड़ोस पिरामिड मार्केट है कस्टमर्स को इसका बहुत फायदा है। द प्रॉब्लम ऑफ लो क्रेडिट ब्यूरो कवरेज इज नॉट कन्फाइंड टू डेवलपिंग इकोनॉमीज बिकॉज इवन इन एडवांस इकोनॉमीज क्रेडिट ब्यूरोज डू नॉट इंक्लूड एवरीवन। सो ये डेवलपिंग इकोनॉमीज का मसला नहीं है, डेवलप्ड इकोनॉमीज में भी क्रेडिट ब्यूरोज की जो पास इन्फॉर्मेशन थी वो हर बंदे के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती। इन यूनाइटेड स्टेट्स मेनी लो इनकम पीपल स्पेशली यूथ एंड रिसेंट इमिग्रेंट्स lack credit histories are closed out of mainstream system. So इसमें अगर हम यूएस की बात करते हैं तो वहाँ पर जो लोग बहुत सारे ऐसे लो इनकम लोग होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे लोग हैं जो बैंक अकाउंट्स वगैरह नहीं खुलवाते और अगर वो ये चीज़ें यूज़ नहीं करते तो हिस्ट्री कहाँ से बनेगी। सेकेंड चीज़, स्पेशली यूथ एंड रिसेंट इमिग्रेंट्स, जो स्पेशली यूथ, जो यूथ से मुराद ये है कि ऑब्वियसली जो अभी स्कूल में स्कूल खत्म करके भी कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज से अभी उन्हें स्टार्ट किया तो हो सकता है बैंक अकाउंट्स कॉलेज के थ्रू खुलवाए ना, अपने वालदेन के बैंक अकाउंट्स पे काम चलाते रहे या सिस्टम या फिर कैश पे काम कर रहे हो, तो उनकी हमारे पास हिस्ट्री नहीं होती। उसके अलावा रिसेंट इमिग्रेंट्स, जो इमिग्रेंट्स बाहर से आते हैं उनके बारे में भी हिस्ट्री हमारे पास नहीं होती कि इनकी पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री है एंड आर क्लोज, और इसकी वजह से वो मेन स्ट्रीम सिस्टम से बाहर रह जाते हैं। पीपल हु हैव सफर्ड प्रॉब्लम्स suffered problem periods need to rebuild credit scores. The most popular product of ASEAN's USA arm is its credit builder loan, a small stepped loan of $500 to $750 aimed at helping clients develop a positive credit history. So इसमें होता है ऐसे कि ऐसे लोग भी हैं कि एक दफ़ा वो लोन्स लेते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन देखें उनकी जॉब चली जाती है या कोई
उनको ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, हेल्थ इशू आ जाता है, कोई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो वो लोन वापस नहीं कर सकते, या फिर लोन वापस करते हैं तो डिलेड पेमेंट्स होती हैं, तो फिर फाइनेंशियल सिस्टम सारा उन्हें आउटकास्ट कर देता है, दीज आर ब्लैक लिस्टेड पीपल, इनको लोन ना दिए जाए। तो अब वो क्या करें, उनके लिए भी अब ऐसा होता है कि आसियान की जो यूएस आर्मी क्रेडिट बिल्डिंग लोन, वो करते हैं कि उनको छोटे लोन देते हैं, 500 से 700 डॉलर के लोन। तो अगर वो एक लोन पे करते हैं तो उससे, और जिस तरह से माइक्रो फाइनेंसिंग में करते हैं, एक लोन टाइम पे हो जाता है तो फिर उनको और लोन दिए जाते हैं, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी दोबारा से क्रेडिट हिस्ट्री बना सकें। जब बन जाएगी तो फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो भी देखेंगे, यार दीज पीपल आर बैक ऑन ट्रैक नाउ एंड वी कैन स्टार्ट देम, स्टार्ट लैंडिंग टू देम। अनदर इनिशिएटिव, द अल्टरनेटिव क्रेडिट ब्यूरो माइक्रो बिल्ड इज डेवलपिंग क्रेडिट स्कोर्स वेटेड टुवर्ड्स द काइंड ऑफ पेमेंट्स लो इनकम पीपल डू, लाइक रेंट एंड यूटिलिटीज पेमेंट, रादर देन ऑन बैंक लोन एक्सपीरियंस। अच्छा, सो सबसे पहले अब डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं। माइक्रो बिल्ड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक और अल्टरनेटिव क्रेडिट ब्यूरो आ रहा है, जो ये देखता है कि जो लोग जो डेवलपिंग कंट्रीज में लोग हैं, ऑब्वियसली हर बंदे के पास अगर बैंक अकाउंट नहीं है, बैंक लोन तो बहुत कम लोगों के पास हम देखें हैं, तो फिर तो बहुत सारे लोग ऐसे जो पूरे सिस्टम से बाहर रहते हैं, हमें कैसे पता चलेगा उनकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है। तो वो देखते हैं कि जो जो लो इनकम लोग हैं वो अपने रेंट और यूटिलिटीज पेमेंट, बिजली गैस पानी के जो पेमेंट्स, वो कितने रेगुलरली कर रहे हैं। अगर वो अगर उनमें से कोई अक्सर मिस कर लेता है, कनेक्शंस काटे जाते हैं, तो ऑब्वियसली उसके पास उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। और रेंट देखते हैं कि वो किस तरह से पे कर रहे हैं, रेंट वो अच्छे तरीके से आराम से पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दे आर स्टेबल कस्टमर्स। अगर वो नहीं हो रहा तो दैट इज नॉट अ गुड साइन। सो अब वही इनोवेशन, अब डिफरेंट मॉडल्स आ रहे हैं इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। राइट, बिल्डिंग द मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग इन माइक्रो फाइनेंस। अब हम मार्केट के बारे में कुछ और बात कर लेते हैं। मेनी कमिटेड प्रोफेशनल्स आर डेडिकेटिंग देमसेल्फ टू इंटीग्रेटिंग द मार्केट फॉर माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स इनटू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स। सो हम पहले भी ये ट्रेंड देख चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे कमिटेड प्रोफेशनल्स हैं जो डेडिकेट करें अपने आप को कि इंटीग्रेट किया जा सके मार्केट फॉर माइक्रो फाइनेंस, जो माइक्रो फाइनेंस की मार्केट है, इन्वेस्टमेंट इनटू इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स, ताकि उनको इंटीग्रेट किया जा सके इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स के साथ। The hallmark of a mature microfinance investment market will include ready availability of high quality information about MFIs, a wide range of investors, and active trading with ease of entry and exit. When this day comes, MFIs will be able to raise funds at favorable costs that accurately reflect their risk and return profiles. So, देखें, जो एक जो मैच्योर माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मार्केट है उसकी कुछ खसूसियात जो हैं उसमें क्या क्या आता है, और जो फ्यूचर में, अभी हो सकता है कि कोई भी मार्केट माइक्रो फाइनेंस मार्केट इतनी मैच्योर ना हो, और हम मैच्योर ये मार्केट देखें अभी भी ये एक जिसे कहा जा सकता है कि ये अभी एक कोई बहुत मैच्योर मार्केट नहीं है। सो अभी ये मार्केट फल फूल रही है, अभी स्टार्टिंग फेजेस में ही है। तो अभी जो फ्यूचर में हम ये देखते हैं कि जो एक मैच्योर माइक्रो फाइनेंस मार्केट होगी तो उसमें उसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल होंगी जो उसको एक स्टेबल मार्केट बनाएंगे। देखें, द हॉलमार्क ऑफ मैच्योर माइक्रो फाइनेंस इन्वेस्टमेंट मार्केट विल इंक्लूड, जो मैच्योर मार्केट होंगे उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, इंक्लूड रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन अबाउट MFIs, ऑब्वियस सबसे पहली चीज, जैसे क्रेडिट ब्यूरोज और ये वो इस तरह की इंस्टीट्यूशंस जो होंगे, सबसे पहले रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट MFIs के बारे में हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन इज द फर्स्ट थिंग। अ वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टर्स, मुख्तलिफ किस्म की वाइड रेंज इन्वेस्टर्स की रेंज जो होगी वो काफ़ी हाई होगी, आपके पास हर किस्म का इन्वेस्टर वो मौजूद होगा, फ्रॉम अ सिंगल इन्वेस्टर टू अ पेंशन फंड टू अ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। उसके अलावा एंड एक्टिव ट्रेडिंग विद ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, एंड उसके अलावा अगर आप माइक्रो फाइनेंसिंग का में के इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो उनकी जो आपके पास एसेट आता है उसकी एक्टिव ट्रेडिंग हो, बजाय इसके कि आप उस एसेट के साथ स्टक हो जाएं जब तक वो इंस्टीट्यूशन से आपको पैसे न मिलें। सो अगर वो सेकेंडरी ट्रेडिंग होगी तो तब जाके इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। विद ईज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट आसानी से उसमें बाय कर सकें, और आसानी से अगर आप अपने एसेट को किसी और को देना चाहते हैं आसानी से वो सेल हो जाए, ये ना हो कि आप लें तो कोई आपसे खरीदने के लिए तैयार ही ना हो और आप स्टक हो जाएं, लिक्विडिटी कम हो, देन इट्स नॉट गुड। When this day comes, MFIs will be able to raise funds at favorable cost. जब वो दिन आ जाएगा तब MFIs को जो किसी कोई भी फंड बड़ी आसानी से इकट्ठा कर देंगे और बड़ी फेवरेबल कॉस्ट पे होगा, दैट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल, जो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रहा होगा उस MFI का रिस्क एंड रिटर्न प्रोफाइल को। राइट, सो इन्फॉर्मेशन फॉर इन्वेस्टर्स, एडवाइजर्स, डेटा एंड रेटिंग्स। Right, the biggest issue in market creation is getting the right information into the hands of prospective investors. So again, जो सबसे बड़ा इशू ये है कि मार्केट क्रिएशन में ये है कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के पास जाए। हमने देखा है कि बड़ा चेंज तब आया जब रेगुलेशन
जब माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेशन आया और गवर्नमेंट रेगुलेशन लाया, उन्होंने कहा कि आप एक तो प्रूडेंट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज इख्तियार करें, और सेकेंड उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, आप अपने जो अकाउंट्स हैं और अपनी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से प्रोवाइड करें। जब ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई तो उसके बाद हमने देखा कि जनरल ट्रेंड इंक्रीज हुआ, उसके बाद इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशन में बढ़ा है और उन्होंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर वो अगर इन्वेस्टर्स को ये टाइमली इन्फॉर्मेशन ना मिलती, उस टाइम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ना होती जैसा कि पहले था, तो कभी भी जो हम चेंजिंग देख पा रहे थे वो पॉसिबल नहीं थी। लेकिन अभी भी बहुत इश्यूज हैं इंडिविजुअल MFIs के बारे में, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद जितनी अवेलेबल है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, और ताकि हर इन्फॉर्मेशन जब आपके इन्वेस्टर को मिलेगी उसका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस आप पे ज़्यादा होगा, और आपको जो इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करेंगे वो कम होगा, और आपको जो फाइनेंसिंग ऑप्शन होगी ज़्यादा होगी। आई एम टेकिंग यू एज अ माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। सो द बिगेस्ट इशू इन द मार्केट क्रिएशन इज गेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन इन टू द हैंड्स ऑफ प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। तो सबसे बड़ा जो इशू माइक्रो फाइनेंसिंग में है कि जो जो इशू है जो मार्केट क्रिएशन के लिए माइक्रो फाइनेंसिंग में, ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की कैसे प्रस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स तक पहुँचाई जाए। Wall Street professionals are accustomed to clicking on Bloomberg.com for an instant flood of data, but there is no microfinance page on Bloomberg. So Bloomberg की अगर हम बात करते हैं तो this is created by Mr. Bloomberg, जो आपने नाम इनका शायद सुना ही हो। He's a very famous person. He has been the mayor of New York for 2 times, और मेरे ख्याल में 3 दफा भी रह चुके हैं। लॉ में चेंजिंग की गई तीसरी दफा इनको बनाने के लिए। ही इज अ वेरी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। ब्लूमबर्ग पहले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, उसके बाद उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया। 1980s के शुरू में उन्होंने सबसे पहले एक ब्लूमबर्ग एक वेबसाइट शुरू की जिसमें वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रखते थे, और आहिस्ता आहिस्ता दिस बिकेम द मेन स्ट्रीम थिंग। अब ये इतनी इन्फॉर्मेशन के पास है कि जितने भी इन्वेस्टर हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सबसे पहले ब्लूमबर्ग में जाते हैं, वहाँ से देखते हैं, सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। इट्स अ डायनामिकली चेंजिंग इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हर इन्वेस्टमेंट फर्म के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। एंड ही हैड मेड अ लॉट ऑफ मनी एंड ही इज अ बिग बिलियनेयर। सो वॉल स्ट्रीट के जो लोग हैं, वॉल स्ट्रीट जो अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जहाँ उनके सारे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, उसको वॉल स्ट्रीट कहते हैं। आई हैव डिस्कस्ड दिस। वॉल स्ट्रीट प्रोफेशनल्स आर अकस्टम्ड टू क्लिकिंग ऑन Bloomberg.com फॉर इंस्टेंट प्रोडक्ट डेटा। जो वॉल स्ट्रीट के लोग हैं उनको आदत होगी कि वो उन्हें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो जाते हैं ब्लूमबर्ग पे, कंपनी का नाम लिखते हैं, क्लिक करते हैं एंड बैंक दे हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन विच दे रिक्वायर। सो सारा डेटा होता है, उसकी बेसिस पे फिर वो इन्वेस्टर्स जो डिसीजंस करते हैं उसकी बेसिस पे सब कुछ होता है। लेकिन अभी माइक्रो फाइनेंस का कोई पेज ब्लूमबर्ग पे नहीं है, और ऐसा हमारे पास इतना अच्छा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हो, जिसको इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हो अपने डिसीजन मेकिंग में। राइट, व्हेन द इकोनॉमिस्ट टुक इट्स फर्स्ट सीरियस लुक एट माइक्रो फाइनेंस इन 2005, इट कंप्लेन्ड अबाउट द लैक ऑफ डेटा एंड द ऑब्स्क्योर मैट्रिक्स दैट मीन्ट समथिंग टू माइक्रो फाइनेंस मेवंस बट नथिंग टू स्टैंडर्ड इन्वेस्टर्स। फ्रस्ट्रेशन ऑलमोस्ट जम्प्ड ऑफ द पेज। राइट, सो अगर 2005 की बात करते हैं, थोड़ी सी पुरानी होगी बात, ऑलमोस्ट 9 ईयर्स हो गए, लेकिन अभी हम वी आर लुकिंग एट द ट्रांजिशन एंड अभी भी कोई खास चेंज नहीं है उस 2005 से। इन्फॉर्मेशन वाइज हम देख रहे हैं, जो जहाँ तक हम 2005 6 या 7 में थे, अभी इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया एंड देयर स्टिल अ लॉट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड। सो इकोनॉमिस्ट ने जब पहली दफ़ा सीरियसली देखा माइक्रो फाइनेंस को 2005 में, इकोनॉमिस्ट इज अ फेमस मैगजीन जहाँ पे इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की बहुत इन्फॉर्मेशन होती है। इफ़ यू रिमेंबर द फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स आई रिकमेंडेड सम फाइनेंशियल लिटरेचर टू यू, उसमें आपको कहा था कि आप फाइनेंशियल टाइम्स पढ़ने की कोशिश करें जिसपे फाइनेंस की न्यूज़, इंटरनेशनल फाइनेंस की न्यूज़ होती है। उसके अलावा इकोनॉमिस्ट मैंने आपसे कहा था, वॉल स्ट्रीट जर्नल था, उसके अलावा मैंने आपको कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स का बिजनेस सेक्शन देखें ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या ट्रेंड्स हैं नए फाइनेंस में और क्या चीज़ें चल रही हैं, विच आर द थ्योरीज डिस्कस, हमारी नई क्या सोच आ रही है, पुरानी किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, लोग किस तरह सोच रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन टच विद द फाइनेंशियल लिटरेचर इफ यू वॉन्ट टू सीरियसली वर्क इन द फाइनेंस इंडस्ट्री। सो इकोनॉमिस्ट ने जब पहली दफ़ा सीरियसली माइक्रो फाइनेंस को एनालाइज किया 2005 में, सो उन्हें कंप्लेन की, इट कंप्लेन अबाउट द लैक ऑफ डेटा। सो ऑब्वियसली सबसे पहले उन्होंने कहा कि डेटा बहुत कम अवेलेबल है and the obscure metrics that meant something to micro finance mavens but nothing to standard investors,
उसके अलावा अब्सक्योर मैट्रिक्स से मुराद है कि ऐसे मैट्रिक्स, अगर देखें हम रिटर्न ऑन एक्विटी की बात करते हैं तो बड़ी आसानी से सब समझ जाते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन। अगर इसके अलावा रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब अकाउंटिंग मेजर्स ये वाले हैं, उसके अलावा मार्केट वैल्यूज, और उसके अलावा प्राइसेज हमारे पास, अगर स्टॉक मार्केट में देखें तो हमारे पास शेयर की प्राइस होती है जो विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, इंक्रीज हो रही है तो क्या है, डिक्रीज हो रही है तो क्या है। सो अगर इस तरह के स्टैंडर्ड मैट्रिक्स इस्तेमाल किए जाएँ तो आसानी होती है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस वाले उस टाइम जो बड़े ऑब्सक्योर, बड़े उन्होंने अपने मैट्रिक्स बनाए थे जिसकी जिसमें वो बात करते थे, जिसकी माइक्रो फाइनेंस के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको तो पता था, लेकिन स्टैंडर्ड इन्वेस्टर को इस बारे में कुछ नहीं पता। सो मसला ये है कि स्टैंडर्ड इन्वेस्टर को अगर समझ नहीं आ रही इन मैट्रिक्स की, तो वो कैसे डिसीजन करे कि वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। सो दैट इज अ थिंग विच इज स्टिल अ प्रॉब्लम, एंड इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। फ्रस्ट्रेशन ऑलमोस्ट जंप ऑफ द पेजेस, सो ये कहने का मतलब है कि जो 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 उन्होंने आर्टिकल्स लिए थे उसमें से फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही थी कि दे लुक्ड फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, दे ट्राई टू फाइंड इट बट दे कुड नॉट। फॉर देयर पार्ट MFIs क्रू अप रिस्पॉन्डिंग टू डोनर्स इन्फॉर्मेशन नीड्स, ओनली रिसेंटली आर दे लर्निंग टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टर्स यूज इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस। एट फर्स्ट MFIs विद नॉन प्रॉफिट ओरिजिन्स may even have created investor request for information as none of your business are signaling lack of trust. So dekhiye, for their part MFIs grew up responding to donors information needs. So ab thoda sa MFIs microfinance institutions thoda sa grow kar rahe hain, aur wo jo donor ki information needs hain unko wo ab fulfill karne ki koshish kar rahe hain. Only recently are they learning to understand how investors use information to make decisions. अभी रिसेंटली ही वो ये लर्न कर रहे हैं, अभी ये सीख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है वो कैसे इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके डिसीजंस करता है। सो अभी उनको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ओके, लेकिन अगर हम शुरू पहले की बात करते हैं, एट फर्स्ट MFIs विद नॉन प्रॉफिट ओरिजिन्स मे इवन हैव ग्रेटेड इन्वेस्टर रिक्वेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन एज नन ऑफ योर बिजनेस। जब MFI, जब देखें अब तो आपने देखा होगा कि जितने भी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अब आ रहे हैं, उन सब का जो पर्पज़ होता है वो दे आर फॉर प्रॉफिट। हम अगर SKS के इंडिया में एग्जांपल लेते हैं तो उसमें सिक्योर कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है, एंड दे आर ह्यूज वेंचर कैपिटलिस्ट। उसके अलावा IPOs हो रहे हैं, एक्विटी बैंक का IPO हुआ, और ब्राज़ील में हमने देखी बड़ी इंप्रूवमेंट आई। सो अब तो इन्वेस्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट उस तरह से हो गए, लेकिन पहले मसला क्या था, पहले जब नॉन प्रॉफिट ओरिजिन होते थे तो इन्वेस्टर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते भी थे तो MFIs उन्हें कहते थे नन ऑफ योर बिजनेस, मतलब दे वर जस्ट नॉट कंसर्न। इंसेंटिव भी ऐसे थे, बिकॉज ऑब्वियस शायद उस टाइम जो जनरल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी थी, उन्होंने जब MFIs को बिल्कुल नेगलेक्ट किया हुआ था, तो जिस सिर्फ नॉन फॉर प्रॉफिट में कोई पैसा आ रहा था, तो एक थोड़ा सा जो रिलेशनशिप था वो थॉर्नी था। जो MFIs थे वो अगर ये कोई इन्फॉर्मेशन मांगते भी थे तो नहीं देते, बिकॉज दे न्यू दैट दे आर नॉट गोइंग टू ऑफर देम एनी फाइनेंसिंग। लेकिन अब वक्त सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, लेकिन पहले वही बात है, और एज अ सिग्नल ऑफ लैक ऑफ ट्रस्ट, पहले जो हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी थे उनको हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उन पर ट्रस्ट भी नहीं था, बिकॉज दे ऑल द फंडिंग दे वर गेटिंग वाज फ्रॉम सोशल इन्वेस्टर्स, और जो मेन स्ट्रीम इन्वेस्टर्स थे वो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं कर रहे थे। बट एज यू सीन थिंग्स हैव चेंज अ लॉट बट वी स्टिल हैव अ ह्यूज वे टू गो। अभी काफ़ी आगे जाने की जरूरत है, और इसमें भी हमें बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश है जो होनी चाहिए। द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नाउ डेवलपिंग टू सपोर्ट माइक्रो फाइनेंस इज मल्टी फैसेटेड, इंक्लूडिंग अ सेंट्रल डेटा सोर्स, अ माइक्रो फाइनेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और मिक्स, मेन स्ट्रीम एंड स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, इन्वेस्टर एसोसिएशन एंड रेटिंग एजेंसीज। दिस लेक्चर टेक्स अस ऑन अ क्विक टूर ऑफ दिस प्लेस। सो अच्छा, सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। देखें पहले अगर हम शुरू की बात करते हैं, तो जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस पहले हुआ करते थे, तो वो उनके उनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन ये इस तरह की मांगी जाती थी, तो उनके अपने इंटरेस्ट में भी नहीं था कि इन्फॉर्मेशन वो सेंट्रल बॉडीज को दें, बिकॉज वो शुरू में आके एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर कोई डेटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर वो रिस्क ले कि एक अपना डेटा क्रिएट करते हैं, जिसमें पता चलता है इस बंदे का रिस्क प्रोफाइल ये है, इसका ये है, ये अगर वो सब के साथ शेयर कर लेंगे तो क्या होगा, फिर दूसरे लोगों को पता चलेगा दीज आर गुड पीपल, दीज आर गुड रिस्क पीपल, और दूसरे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन वहाँ पे आके उनको उससे ज़्यादा बेहतर लोन प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, और जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा। सो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के अपने इंटरेस्ट में नहीं था।
पहले, लेकिन ये इंटरेस्ट में कब हो, इसलिए उन्हें पहले एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी सारे सिस्टम को बनाने में। लेकिन अगर एक सेंट्रलाइज सिस्टम मौजूद हो जिसको सारे माइक्रो फाइनेंसिंग सिस्टम यूज कर सकते हो, तो तब क्या होगा, तब होगा कि सारे कंट्रीब्यूट भी करेंगे इन्फॉर्मेशन, लेकिन उससे उन्हें भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये कि इन्फॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन करेंगे वहां से भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली होगी, तो उसे जो उस पर भी अब ये देखना पड़ेगा कि उन्हें ज्यादा फायदा किस चीज में। अगर उन्हें लगता है कि बहुत बड़ा एक रिसोर्स मौजूद है जिसको देख के हमें नए क्लाइंट्स मिल सकते हैं और उससे जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, तो तब लोग मूव होंगे इस तरफ। अगर माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को अभी भी ऐसा लगेगा कि इसमें कंट्रीब्यूट करने से हमारी जो हमारे हमने जो इतनी मुश्किल से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी की है वही सिर्फ बाहर जाएगी, उससे हमें ज्यादा नुकसान होगा, तो वो नहीं करें। सो दिस इज अ चैलेंज विच पीपल हैव टू, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर्स हैं, जो जो ये हम बात करते हैं माइक्रो फाइनेंस इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की, इनके लिए एक बड़ा चैलेंज है कि वो कैसे इन माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। अभी अगर देखते हैं तो उनके पास काफी सारे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो नहीं भी हैं, उनको कैसे लाया जाए, सबको कैसे इकट्ठा किया जाए प्लेटफॉर्म पे, दैट इज अ ह्यूज चैलेंज। राइट, द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट डेवलपिंग टू सपोर्ट माइक्रो फाइनेंस इज मल्टी फैसेटेड। जो अब भी इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है जो माइक्रो फाइनेंस को हेल्प कर रहा है वो मल्टी फैसेटेड, वो काफी एक वो नहीं है, उसमें काफी उसकी फेसेस हैं, इंक्लूडिंग अ सेंट्रल डेटा सोर्स। जो सेंट्रल डेटा सोर्स है वो है माइक्रो फाइनेंस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और मिक्स, जिसके बारे में पहले ही बात कर चुके हैं। इनके पास आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द नंबर, बट बहुत सारे माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन इस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उन्हें एक सेंट्रलाइज बॉडी बनाई हुई है जिससे ओवरऑल ओवरऑल माइक्रो फाइनेंसिंग इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है। एंड दूसरा की फायदा है कि अगर एक सेंट्रलाइज बॉडी होगी तो इन्वेस्टर्स को भी पता चलेगा कि यार दिस इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्लास, यहाँ पे तो काफी लोग हैं, इनके पास काफी क्लाइंट्स हैं, तो और जब वो देखेंगे कि वर्कआउट कैसे करें, सिस्टम कैसे चल रहा है, तो जो रेट ऑफ फाइनेंसिंग भी पीछे से मिलेगी माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस को वो भी कम हो जाएगी। सो ये दोनों चीजें माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस भी देखते हैं कि उनके नुकसान के उनको फायदा के, देखा जाए तो ओवरऑल इसमें फायदा ज्यादा, अनलेस के माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन को अच्छी फाइनेंसिंग मिल रही है ऑलरेडी और उसके पास उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है क्लाइंट्स पे वो बहुत ज्यादा बहुत बड़ा है, तो देन इट्स नॉट जस्टिफाइबल। लेकिन इन ऑल अदर केसेस, और अगर हम फ्यूचर के लिए देखते हैं, तो इट इज अ वेरी गुड रिसोर्स। उसके अलावा मेन स्ट्रीम एंड स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर उसमें मेन स्ट्रीम, उसके अलावा स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स आते हैं, इन्वेस्टर एसोसिएशंस आती हैं, एंड रेटिंग एजेंसीज। रेटिंग एजेंसीज भी अब रेटिंग्स कर रही हैं, आपने देखा तो मैंने एग्जांपल डिस्कस की थी कि बांग्लादेश में जब एक माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन ने लोन हासिल करने की कोशिश की थी तो उन्होंने रेटिंग करवाई थी, और रेटिंग काफी अच्छी थी, जिसकी वजह से रेटिंग फ्रॉम वन ऑफ द इंटरनेशनल फर्म्स, जो उनके एक लोकल लोकल रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने रेटिंग की थी, और इस रेटिंग की बेस पे जो उनको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग मिली थी वो काफी लो थी। सो ऑल दीज थिंग्स हेल्प द होल इकोसिस्टम ऑफ माइक्रो फाइनेंस। सो दिस लेक्चर टेक्स ऑन अ क्विक टूर ऑफ द प्लेस, अभी हम प्लेस के बारे में एक क्विक टूर करेंगे। फॉर देयर पार्ट एम एफ आईज ग्रो अप रिस्पॉन्डिंग टू डोनर्स इंफॉर्मेशन नीड्स, ओनली रिसेंटली आर दे लर्निंग टू अंडरस्टैंड हाउ इन्वेस्टर्स यूज इन्फॉर्मेशन टू मेक डिसीजन। एट फर्स्ट एम एफ आईज विद नॉन प्रॉफिट ओरिजिन्स में इवन हैव ग्रेटेड इन्वेस्टर रिक्वेस्ट information as none of your business or as signaling lack of trust. So right, so this has been repeated. So the information infrastructure now developing to support microfinance is multifaceted. We just did that. So MIX aata hai, usme humne dekha hai ki specialized investment advisors hain, investment associations hain, rating agencies hain. Right, so this lecture takes us on a quick tour of the place. Right, so I will not discuss the place in this lecture because the time of the lecture is almost finishing. In the next lecture, I'll talk about. I'll take a quick tour of the players and stuff. Right, so we started from credit bureaus and credit scoring. हमने देखा कि क्रेडिट ब्यूरोज कैसे हेल्प करते हैं इस पूरे इकोसिस्टम की, जो हमारा माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस का है, बॉटम ऑफ द पिरामिड मार्केट का है, और क्रेडिट स्कोरिंग से कैसे मदद मिलती है। हमने देखा है कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्रेडिट ब्यूरोज और क्रेडिट स्कोरिंग मौजूद होती है, जिसके बेसिस पे सारी की सारी जो लेंडिंग की जाती है, जो प्रोडक्ट्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उस सब की बेसिस ये क्रेडिट ब्यूरोज और क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम होते हैं। और हमने ये देखा कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास क्रेडिट ब्यूरोज अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अगर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए उनको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है मार्केट के अंदर, और नॉन कन्वेंशनल वेज यूज़ करने पड़ते हैं ये पता करने के लिए कि इस बंदे का रिस्क क्या है। उसमें हमने देखा है कि ग्रुप गारंटी सबसे पहले होती हैं यूज़, उसके अलावा वी सॉ कि स्टेप लोन्स दिए जाते हैं, पहले छोटे छोटे लोन्स दिए जाते हैं ताकि
लोगों को पहले छोटे लोन दिए जाएं, फिर पता चल सके कि इनकी क्रेडिट क्वालिटी क्या है, और अगर वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं तो फ्यूचर में उनको उससे बड़े लोन दिए जाएं और ज़्यादा बेहतर चीज़ें ऐसे हों। सो क्रेडिट ब्यूरोज़ और क्रेडिट स्कोरिंग माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन की हमने देखा कि क्रेडिट ब्यूरोज़ और क्रेडिट स्कोरिंग माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के बहुत काम आ सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन मौजूद हो तो उनको शायद इतने ज़्यादा रिस्क ना लेने पड़े, और उनकी जो उनको पीछे से फाइनेंसिंग जो इन्वेस्टर्स दें उन्हें भी फिर पता चलेगा कि उनके पास अगर इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो जो उनको इंटरेस्ट रेट वो ऑफर करेंगे तो वो भी कम होंगे। सो कैट कैट ब्यूरोज कैट स्कोरिंग प्लेज अ ह्यूज पार्ट। उसमें वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स वी सॉ इज कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन हैं दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन कंपाइलिंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। और शुरू में हमने देखा है कि जब प्राइवेट इन्वेस्टर्स इनके पास जाते थे इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए तो ये सिंपली MFIs करते थे, इट्स नॉट ऑफ योर बिजनेस, जिससे पता चलता था कि उनका लैक ऑफ ट्रस्ट था बहुत ज़्यादा इनके साथ। लेकिन अब हमने लेकिन उसके बाद अब जैसे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती जा रही है माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन में, तो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन का जो ट्रस्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि माइक्रो फाइनेंसिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज जैसे इदारे आ रहे हैं जो सेंट्रलाइज ऐसी बॉडी बनती जा रही है जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं, उनके क्लाइंट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, और वो सब चीज़ें अगर मौजूद हैं। सो ये एक पूरा इकोसिस्टम अभी बना नहीं है, और अभी इस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको एक मेन चीज़ बताई थी शुरू में, मैंने देखा था कि इन्वेस्टमेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है अगर वो कोई भी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए। सो अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन करूँ, आपके पास अगर कुछ पैसे मौजूद हैं, अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास तीन चार ऑप्शन हैं, तो आप यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज प्रोजेक्ट्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। अगर आपके कोई जरिया मौजूद नहीं होगा इन्फॉर्मेशन हासिल करने का तो आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो इन्वेस्टर माइक्रो फाइनेंसिंग में भी इन्वेस्ट करना चाहता है उसको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। हमने जो हम देख रहे थे जो इकोनॉमिस्ट ने जब 2005 पहली दफ़ा डेटा देखना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि उनकी जो असेसमेंट थी वही थी कि माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका डेटा नॉन एग्जिस्टेंट है, यहाँ तो अवेलेबल ही नहीं है। अगर अवेलेबल है तो इस फॉर्म में है जो इन्वेस्टर्स के लिए अंडरस्टैंडेबल ही नहीं है। अगर अंडरस्टैंडेबल डेटा नहीं है तो उसकी बेसिस पे कैसे इन्वेस्टमेंट की जा सके, दैट्स अ ह्यूज इशू। और देर आर ह्यूज स्ट्राइड्स टेकन इन दिस। हमने देखा कि जैसे जैसे एक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं, हमने देखा कि इंडिया में जैसे जैसे कोआ ने इन्वेस्टमेंट किया SKS में, उसके अलावा IPOs ब्राज़ील में हो रहे हैं, एक्विटी बैंक कैनिया में हुआ, तो इनकी वजह से जब कॉर्पोरेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो रही है तो अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उस तरीके से दी जा रही है इन्वेस्टर्स को जिस तरह से जिसको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करके डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी काम और करने की ज़रूरत है, जो हो जाए तो इस पूरे सिस्टम में बहुत ज़्यादा बेहतरी आ सकती है। फिर उसके बाद हमने बात की बिल्डिंग द मार्केट फॉर इन्वेस्टिंग इन माइक्रो फाइनेंस। सो इसी में इन्फॉर्मेशन के बारे में पहले हम बात कर रहे थे कि इन्फॉर्मेशन से कितना डिफरेंस आ सकता है, और उसके बाद हमने अभी देख रहा था कि मुख्तलिफ प्लेयर्स जो हमारे माइक्रो फाइनेंसिंग में वो कैसे हेल्प कर सकते हैं इस पूरे सिस्टम की। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन द सिस्टम, और उसके बाद हम रिवीजन इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। एंड वंस दैट और रिवीजन स्टार्ट करके मैं आपको आई विल रिवाइज द बेसिक थीम्स ऑफ दिस कोर्स, एंड फाइनली जो हमारा 32nd लास्ट लेक्चर होगा उसमें दैट विल बी होली बेस्ड ऑन रिवीजन, उसमें हम मेजर कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। So again, thank you very much for your time. Allah Hafiz.